सीबीएसई बोर्ड की अनुसूचित कैसे चेक होती है चलो बताता हूँ। जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है ना, उस स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे बैठे थे सभी बच्चों की अनुसूचित को एक पॉलीथिन के अंदर पैक कर दिया जाता है और उस पॉलीथिन को अच्छे से सील कर देते हैं ताकि कोई भी इंसान आपकी अनुसूचित के अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके। और फिर आपकी अनुसूचित को सीबीएसई के ऑफिस भेजा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपके अनुसूचित का जो फ्रंट पेज है ना, जिसपे आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपकी जितनी भी डिटेल लिखी होती है, उस पेज को रिमूव कर देते हैं ताकि जो भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता ही ना चले कि वो आखिर किस बच्चे का पेपर चेक कर रहा है। क्योंकि अगर उसको अपने किसी रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले बच्चे का पेपर मिल गया तो ऑब्वियसली बात है वो तो अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन तुम्हारी अनुसूचित के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है जिससे सीबीएसई को पता चल जाता है कि अनुसूचित किस बच्चे की है। और जो तुम्हारा पेपर है ना, वो सबसे पहले एक नॉर्मल टीचर चेक करता है और उसके ऊपर एक हेड टीचर होता है जो ये देखता है कि भाई जो नॉर्मल टीचर है वो पेपर सही से चेक कर भी रहा है नहीं कर रहा। और वो हेड टीचर क्या करता है, किसी भी 100 अनुसूचित में से ना रैंडमली 4-5 अनुसूचित निकाल लेता है और उनको खुद चेक करने लग जाता है। और ये सारा का सारा जो डाटा है ये सीबीएसई के हेड ऑफिस जाता है और उसके बाद आपका रिजल्ट बनता है।